हेलो, बस आज के सेकंड लास्ट डे के सेशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं डॉक्टर विजय मिश्रा, संगीत विभाग असिस्टेंट प्रोफेसर, सीएसजीएम यूनिवर्सिटी कानपुर, आप सभी का स्वागत करती हूँ। और जो भी ऑनलाइन के बच्चे जुड़ रहे हैं, प्रशिक्षण जुड़ रहे हैं, प्रतिभागी जुड़ रहे हैं, आप सामने ही थोड़ी देर बैठिएगा, जरा आपको देख के अच्छा लगेगा कि हाँ हम सुरक्षित हैं। आप सभी को, सभी जितने प्रशिक्षु हैं और हमारी बहनें ऑनलाइन ऑफलाइन, हमारे साथी संगीतकार जिनके बिना कोई भी चीज़ संभव नहीं है, और देखिए ना, हम संगीत में यही बताते हैं
कि हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। तो ये जीवन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि हम मिलकर क्या कर सकते हैं, और ये हमें संगीत बताता है। तो यदि हम संगीतज्ञ भी इस बात को पूरे समय फॉलो करते रहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। जहाँ तक एक प्रतिस्पर्धा का प्रश्न होता है, आपस में होती ही है और होनी चाहिए, मगर वो ऐसी रहनी चाहिए कि हम एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा जिसको कहते हैं वो होनी चाहिए। हम ठीक है, ये अच्छा गा रहा है, ये अच्छा गा रहा है, ये अच्छा बजा रहा है, तो ये क्या अच्छा बजा रहा है? हम कुछ और इससे अच्छा कर सकते हैं क्या? हम कुछ और क्या कर अपने से बेहतर जो हम कर रहे हैं? स्पर्धा जो है वो अपने से होनी चाहिए, खुद से, कि हम जो पहले दिन कर रहे थे वो हम अगले दिन किस तरह से हम और अपने को बेहतर कर रहे हैं। और जब हम अपने को बेहतर करते चले जाएंगे तो नेचुरली फिर बेटर होते ही जाएंगे। तो हमें ये सोचना नहीं पड़ेगा कि दूसरा जो है, दूसरे के ऊपर ध्यान है हमारा पूरा, ये क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है, तो हम अपनी जो डेवलपमेंट है उसको भूल सकते हैं, वो बाधित होता है। तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। जैसा ये पिछले 5 दिन से चल रहा था, तो हाँ हो जाएगा। तो अब रेड वाला, हाँ तो हम इसको 5 दिन से कर रहे थे। आज 6ठा दिन है ना? हाँ, आज 6ठा दिन है। तो 5 दिन से हम इसे जो कर रहे थे वो हम जैसा पहले भी आपको बताया है कि हम ख्याल गायन से प्रेरित होकर, बड़ी प्रार्थना है बड़ी, तो हम ख्याल गायन से प्रेरित होकर, उससे प्रेरित होकर के ही हम आगे बढ़ते हैं, है ना। हमने जब ख्याल सीखा, उसको समझा, तो हमारे दिमाग में ये बात आई कि ये विधा जो है, ये ठुमरी क्या है, ठुमरी को कैसे लेंगे। तो थ्योरी में भी पढ़ लिया कि हम 2 तरह की ठुमरियाँ जानते हैं, और ख़ास करके जो बनारस की ठुमरी है इसको कैसे लेंगे। तो 2 तरह की ठुमरी में बोल बनाव की ठुमरी मैंने आपको एक शुरू की है खमाज में, और उसमें आपने ज़रूर अपने होमवर्क में वो काम किया होगा कि धीरे धीरे उसको बोल बनाए होंगे। आई होप कि आपने काम किया होगा। तो वहीं से शुरू कर लेते हैं हम, कि उसमें और आपसे सुनते जाएंगे, क्योंकि कार्यशाला है, सिर्फ मेरे गाने से काम नहीं चलेगा, आपको भी गाना ही होगा। तो इस तरह से हम लेते हैं, और मैं सभी आयोजक समिति और CSJM के संगीत विभाग, श्रीमती रागिनी जी, डॉक्टर ऋचा जी, शुभम जी, निशांत जी, श्री राजकुमार सिंह जी, सभी को मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने इस चीज़ को ऑर्गेनाइज किया है और सब तक पहुँचाने में, सभी तक पहुँचाने में ये विधा, शायद हम सफल हो रहे हैं और इसके वृहद रूप में हम जा सकते हैं। ये बच्चे जो सीख रहे हैं यही फैलाएंगे आगे, ये लेके जाएंगे मशाल को, और खास करके जो हमारे आयोजक रहेंगे, आगे आगे हम लोग इसमें बढ़ते जाएंगे।
होता है तो वो इसलिए हो रहा है, वो पैरों से उधर टच हो रहा था, कोई बाहर आया था तो आर्ट में, ड्राइंग पेंटिंग में, तो आप उनको बता सकते हैं क्योंकि तो यहाँ से कोई है नहीं, टेक्नीशियन है नहीं. ऋचा जी किसी को वहाँ पर डिप्यूट कर दीजिए, तार हिल रहा है ना तो ये हिल रहा है सब.
हरे इतनी अरज मोरी मान मान ले जो पिया गाइए मान ले ओ पिया थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा हल्का अरज मोरी शाबाश फिर से फिर से शाबाश बोल बनाओ हम अभी ऊपर नहीं गए जहां तक हम गए हैं वहीं तक रहना पड़ेगा गासा इतनी
हम ये अभी मध्य के फर्स्ट पार्ट में है। अब इसको यहाँ पर अगर करते हैं तो आप कर सकते हैं, अगर ऊपर राकेश जी आप अपने माइक को म्यूट करिए, राकेश जी माइक को म्यूट करिए, मगर ये है आपके लिए यहीं पर है, जब आप अपने स्केल से गाएंगे तो यहीं पर गाएंगे, ठीक है ना। मतलब मध्य सप्तक के नीचे वाले पार्ट से ये बीच गंधार तक आ रहे हैं। आइए सर, आपका स्वागत। थोड़ा सा जगह कर दीजिए। फोटो देख लीजिए बेटा, कोई ना उस साइड से फोटो होगा। आप अमित ले सकते हो फोटोग्राफ उधर से, हमें ले लेगा। जो बीच वाली बत्ती है वो भी जलवा लीजिए सर। बैठिए सर, कुछ सुनाए। चलिए आपको होरी सुनाते हैं। इसको फिर हम लोग ये वाली चीज को फिर से कर लेंगे। होरी खेल न जाने, ताली। साउंड को देखेंगे, बहुत चलिए ताली बजाइए। सर जैसा आपको मालूम है ये छठा दिन है और बच्चे कुछ काफ़ी कुछ ग्रहण कर चुके हैं और वो साथ देंगे। Yeah.
होरी खेल ना जाने होरी
थैंक यू सर। अच्छा हम स्केल बदल सकते हैं। या इसको ही ले लेते हैं। देखती हूँ एक सेकेंड। चलो गुइया। हाँ अब हम इसको अगर वो कर लें तो मध्यम इसका मध्यम हम क्योंकि इसको छेड़ेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। दूसरा सफेद डी उसी पे रहने दो। चलो गुइया खेले हो रे। अच्छा सी पे था ना। चलो सी पे रख। सी पर करिए बेटा। ये नहीं बन पाया अभी उसमें नहीं मिला। मिला उसको थोड़ा फाइन ट्यून करना पड़ेगा। जरा ऊपर देखिए एक फाइन ट्यून हल्का तो ऊपर करना पड़ेगा। हल्का बात अलग है फाइन ट्यून आना बात अलग है। फाइन ट्यून है थोड़ा चढ़ा कर दे कम कर दे। ये नहीं जानती हो वो फाइन ट्यून लिखा है उधर ऊपर करना है या नीचे करना है।
वेरी सिंपल. वो ठीक है, नहीं ठीक है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, नहीं ठीक है, नहीं नहीं देखो सा देखो. उसको सॉफ्ट कर दो, सॉफ्ट कर दो, सॉफ्ट बंद नहीं करना, सॉफ्ट. बंद नहीं करना, सॉफ्ट कर दो. नहीं बढ़ाना अभी नहीं, अभी बंद करो. एक को सुन रही हो ना, इधर इधर सुन रही हो ना, बाद में खोलना. इधर ये है ना, हाँ अब खोल, अब थोड़ा उसका लाउड कर दीजिए, लाउड लाउड और लाउड करिए, अभी सब लोग गाएंगे तो लाउड करिए. चलो भैया आज खेलें, हो रही पी लो. चलो भैया, चलो भैया. कुछ बात रह गई है क्या, कुछ बात रह गई है? दो दो बार करिए सा गा रे मा.
अब ये सम से लेंगे सात गारे फर्स्ट लाइन सा गा रे गा सा रे सा रे नी सा गा रे सा सा गा रे गा सा रे सा रे नी सा सेकंड लाइन नी पा नी नी कोमल है फिर से गामा फिर से देख के गाओ गा आगे 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 की लाइन एक वही है ना से जाते हैं गामा पा भी जाते हैं रेमा पा ये सब बता रहा है वो रेमा पा फिर से रेमा पा नी दा पा मा गा है ना गा कोमल
रे मा पानी दाबा मा गा सा गा मा पा, ठीक है, रे मा पा मा गा सा गा मा पा गा, फिर से रे मा ताल गलत हो गई है, फिर से रे मा ना वहां सम से लेंगे रे गा सा गा मा रे मा पा मा गा सा गा, फिर से रे मा पा मा गा सा गा गारे गारे सारे नीने सा, ले बढ़ाइए सा गारे गारे सारे नीने सा गारे सा गारे गारे सारे नीने सा गारे सा गारे गारे सारे के याद कर लोगे तो अब ये थोड़ा सा गा लेते हैं आपका, फिर कोई आपके क्वेश्चंस होंगे तो वो उदप कर सकते हैं। इसमें ये आया रे मा पा गा चलो गुइया, अरे चलो गुइया चलो गुइया, गाइए चलो गुइया चलो गुइया, अरे खेले होरी बेटा, आप हमको दिखने चाहिए, अरे चलो गुइया खेले हो रे रामा, अरे आज खेले
अरे चलो गुइया आज खेल हो री रे कन्हैया घर, चलो गुइया आज खेल हो री रे कन्हैया घर, चलो गुइया आज खेल हो री रे। अभी तैयारी चल रही है, चलो पिचकारी की तैयारी चल रही है, रंग देखा जा रहा है, आराम से रंग बना रहे हैं। चलो गुइया आज खेल हो री, आज खेल हो री गुइया, आज खेल हो री, आज हो री। ताल के साथ, अरे गुइया आज खेल होरी होरी होरी, आज खेल होरी गुइया, आज खेल होरी, चलो गुइया आज खेल होरी रे कन्हैया घर, चलो आराम से चल रही हैं, तुम भी आ जाओ, एरी ओरी सब। हाँ अपने अपने मंदिर से निकसी कोई सांवरी कोई गोरी, निकसी कोई सांवरी कोई गोरी है, अपने अपने मंदिर से निकसी कोई सांवरी कोई गोरी, गोरी अपने अपने गाँव मंदिर से निकसी कोई सांवरी कोई गोरी, गोरी अपने अपने मंदिर से निकसी कोई सांवरी कोई गोरी, अपने अपने एक नयन मद माती, एक से 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 से एक नयन मद माती, एक से एक नयन म, ताल के साथ खेलना है, एक से एक नयन मद माती, एक नयन मद माती, एक से नयन
अब पहली बार जो गाया था वो गाइए। गाइए सब बरस की थोरी गुइया आज खेल होरी रे कन्हैया घर चलो गुइया आज खेल होरी रे कन्हैया घर चलो आज खेल होरी रे कन्हैया घर चलो गुइया चलो गुइया चलो गुइया चलो गुइया चलो वैरायटी आज खेल होरी गुइया आज खेल होरी आज खेल होरी गुइया आज खेल होरी होरी खेल 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 गुइया रे आज खेल होरी गुइया आज खेल होरी गुइया आज खेल होरी आज खेल होरी रे कन्हैया घर चलो दिखाई रे कन्हैया घर चलो दौड़ के रख लगा लिया उसके बाद आ गए फिर हाथ पीछे करके सब रंग लिए हुए हैं चुपचाप 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 से वो सारा पिक्चराइज करिए। अरे वो खत्म हो गया कलर खत्म हो चुका है ना अब सब फूल सब खत्म हो गया इतना जोर से होली हो गई अब फिर से वापस चले गाइए आ ना चलो गुइया आज खेल होरी रे कन्हैया घर चलो गुइया आज खेल होरी रे कन्हैया घर कोई गावत कोई मृदंग बजावत 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 कोई गावत कोई मृदंग कोई नाचत गत मोरी हाँ कोई गावत चपल ढीठ चपलासी चमके चपल ढीठ चपलासी चमके चपल ढीठ चपलासी चमके 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 चपल ढीठ चपल ढीठ चपलासी चमके झिझकत बदना मरोरी गुइया आज खेल होरी रे कन्हैया घर चलो गुइया आज खेल होरी रे कन्हैया घर चलो गुइया आज खेल होरी रे कन्हैया घर चलो सब लोग अपने अपने लिए ताली बजाइए।
बहुत अच्छा गाया। अभी आपको जो कोई बात हो, कोई ऐसा लगता हो कि कोई पूछने की बात हो तो पूछ सकते हैं जी। हो गया, बस थोड़ा सा रहने दीजिए। हाँ आपको कोई बात करनी हो बेटा, कोई चीज़ ऐसी? ऑनलाइन कंडक्ट करना पड़ेगा किसी को। अच्छा, हेलो, आप लोगों को मैं सुनाई पड़ रही हूँ? ऑनलाइन जुड़े हुए हैं? जी मैडम, जी मैडम। उनकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, आप लोग कब तक पूछना चाहते हैं? जी मैडम, आवाज आ रही है आपकी। हाँ, इन्वेंट करने के लिए जो हमारा राग है, खास करके वो राग और उसके आसपास के राग, जैसे पीलू है तो काफी भी हो सकता है, और मियां मल्हार भी हो सकता है, तो कहीं पर इस तरह के कई राग हो सकते हैं, बहार भी हो सकता है, तो उसके आसपास के माने उस थाट के रागों को आप स्टडी करेंगे जिस थाट में आप करना चाहते हैं। मीन्स आप तो अंग्रेजी संगीत करती हैं, तो वो जो मेलोडी है बनती है, जो काफी की मेलोडी बनी या ये पीलू की मेलोडी बनी, मैं बोल सकती हूँ? अच्छा, तो ये जो मेलोडी बनती है, ये मेलोडी के लिए मैंने इसीलिए सरगम गीत आपको बताया कि ये कैसे कैसे जाएगा। हाँ, है ना, मोड्स कहते हैं ना, कि किस किस तरह से जाएगा राग। अब गामा पा भी गया, एक जंगल में एक ही शेर होता है। ठीक लग रहा है जो क्या क्या दिमाग में आया, ये बात आई कि कैसे कॉम्पोजिशन करेंगे, है ना? तो कॉम्पोजिशन करने की राह थोड़ी सी जल्दी नहीं हो पाता जब तक कि आप रागों में बहुत घुसते हैं, हो सकता नहीं है। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है, हेलो, नहीं आ रहा, हेलो, ऑक्स ऑक्स देखिए, ऑक्स बिल्कुल शायद बंद है। तो जैसे आपका राग कोई भी है, आपने मान लीजिए कौन सा राग आपको बहुत, आप किसमें घुसे हुए हैं, एक कोई राग ऐसा है आप बता सकते हैं? भैरव में एकदम घुस गए। हेलो, हाँ, हेलो, ठीक है, हेलो, सबसे ज्यादा, हेलो हेलो हेलो, नहीं आ रहा, हेलो, राग है, हाँ, हेलो 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 हेलो, हाँ हेलो, हाँ हेलो, हाँ हेलो। तो जैसे अभी हम ठुमरी की बात करें तो हम भैरव में जल्दी से ठुमरी नहीं गाते हैं, हालांकि एक भैरव से मिलती जुलती एक ठुमरी है जिसको भैरव और गौरी राग है, तो उसमें मिक्स है वो, तो गुरु दीवाना की शाम हेलो
हेलो हेलो हेलो कुछ नहीं है सर। हेलो 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 उसमें आपको पड़ेगा कि भैरव के आसपास कौन से। हेलो हेलो दीवाना कि ये हाँ 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 हो गई। उसका वॉल्यूम कम कर देते हैं। हाँ समझ गई मैं। नहीं नहीं वो ठीक है, बात कह रहे हैं कि स्पीकर पे जाना चाहिए, वो तो हम ही सुन सकते हैं, इन ईयर तो हम ले सकते हैं। अभी स्टूडियो बने तब कुछ हुए काम जी। अच्छा आप अगर ऑनलाइन जुड़े हुए हमारे जो प्रतिभागी हैं और जो बहनें हैं कुछ मुझसे बात करें, जरा हेलो करें, हाय करें, जरा लगे कि आप मुझसे बात करें। आपकी आवाज सुने हम। इसको यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट हो रहा है अभी, वो पूरा नहीं हुआ है तो आपकी आवाज नहीं सुनाई पड़ रही है। आप बोले कोई नहीं, आवाज आ रही है। हेलो नहीं आ रहा है, थोड़ा सा बढ़ाइएगा वॉल्यूम, बढ़ाइएगा आप बढ़ाइए बोलिए। हेलो नहीं आ रहा है। हेलो बंद कर दो यहाँ, बंद कर दो। इन्होंने यहाँ से कनेक्ट किया ना इसलिए बहुत ज्यादा वो डिस्टर्ब कर रहा है। आपकी आवाज आ रही है। कोई बात नहीं, तो हम यहीं पर बता रहे हैं ना, हम यहीं पर बता रहे हैं, आप छोड़ दीजिए। हेलो वो टाइप कर सकते हैं, दूसरा कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा है ना, कोई कोऑर्डिनेट करे तो हो सकता है somebody। हेलो सर आवाज आ रही है, टाइप कर सकते हैं। हाँ दैट्स बेटर, तो टाइप कर लें और ठीक है। अच्छा हम जो यहाँ पर कर रहे हैं सर, आवाज आ रही ओके और नहीं आ रहा, डिस्टर्ब कर रहा है। जी सर आप क्या रहे ओके। हाँ तो ठीक है, जब वो पूछेंगे तो बोलना है। ये देखिए क्या हम कर नहीं पा रहे मैम। हाँ नहीं हो सकता, वो लिख लें I can't speak. कर लीजिएगा उसको अभी, अभी तो इनको अभी अभी हाँ तो वो बात है बेटा कि भैरव है तो हम सिर्फ भैरव से तो हम ठुमरी नहीं बना सकते। भैरव उसको तो देखिए, ठुमरी जो है वो एक राग से कभी भी फॉलो नहीं की जाती, क्योंकि हम एक ही राग से फॉलो करेंगे तो ख्याल बना देंगे हम उसको। हाँ जी यही तो मेरा कहना है। यस उसको भी मतलब साथ में, आपका पहला लाइन भैरव का हुआ तो दूसरा रामकली का हो गया, इस तरह से गौरी है या कुछ है, कहीं 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 आपका भैरवी भी आ सकता है, भैरवी भी आ जाएगा। अब यहाँ पर आरो अवरो बताने के लिए थोड़ी भैया क्लास नहीं चल रहा है, ये तो ठुमरी की कार्यशाला चल रही है और ठुमरी की कार्यशाला है बेटा। अब वो बेचारा कंफ्यूज है, कोई नहीं ये ठुमरी की कार्यशाला है और इसके आज हम
इसको लगभग लगभग वाइंड अप कर रहे हैं, मंडे को भी है, पता ही। हाँ, किससे किससे अलग हो जाती है, जैसे नहीं नहीं लाइट वोकल नहीं, खास आप बताइए स्पेसिफिक कि आपको क्या लगता है कि किस किस से कैसे अलग है, वो उसका नाम लेना पड़ेगा ना। अच्छा अब बात देखिए बेटा, आप अब यहाँ पर बात नहीं, जो पूछना है हमसे पूछिए, अभी 10 मिनट 15 मिनट आप 10 मिनट हमसे बात कर सकते हैं, फिर आप आराम से। तो इन्होंने जो पूछा कि और लाइट क्लासिकल यानी जिसको हम सेमी क्लासिकल या लाइट क्लासिकल कहते हैं उनसे कैसे अलग है, ख्याल से तो हमने बता दिया, वो आप समझ चुके हैं कि कैसे है। तो और विधाएं आपको क्या क्या दिमाग में आती हैं कि क्या आप हमको बोलिए, अब आप लोग बोलिए, कुछ कोई दिमाग में आती है कौन सी विधा से हम इसको करीब मान रहे हैं। गजल से टप्पा इज नॉट अ लाइट थिंग, बंद कर देती यार तुम, और बहुत ज्ञानी हो रही हो। राग फॉलो होता है, और उसमें क्या है पंजाबी के शब्द, पंजाब से इन्फ्लुएंस्ड है वो, वहाँ के फोक से है। तो टप्पा तो कम्प्लीटली इस तरह से अलग हो जाता है कि वो अभी व्यंजना जी आप अपना माइक म्यूट करिए, किसी भी तरह से पास में मेन कंपोनेंट इसका होता है, जैसे हमने भाषा की बात की सबसे पहले, हम उसको देखें, हमने वो पहले दिन भी आपको बताया था, वो शायद फिर से मैं रिपीट करती हूँ कि हमारी जो उत्तर प्रदेश की भाषाएं हैं, तो उसमें हमारी भाषा अवधी और भोजपुरी आती है उसमें, तुम्हें और किसी भाषा में आप वो जबरदस्ती वाली बात हो गई, तोड़ मरोड़ करके इस तरह से उसको ठंडी बनाना है, तो इसीलिए ये उत्तर प्रदेश की शैली है, और क्योंकि उत्तर प्रदेश की भाषा का इसमें इस्तेमाल है, उसका प्रयोग किया है। सबसे प्रथम बात तो यही होती है, और दूसरी बात ये कि ये भाव प्रधान शैली है, दो चीजें बहुत इम्पोर्टेंट, सबसे पहले तो वही है भाव प्रधान, भाव यानी शब्दों पर डिपेंडेंट है, भाव ऐसे तो आता नहीं, भाव देखिए हम स्वरों से भी भाव लेते हैं ख्याल में, लेकिन उसमें हम पूरी तरह प्रेषित नहीं कर पाते हैं बात, जब तक शब्द नहीं आता है कि हम कहना क्या चाहते हैं आखिर, कि इसमें भक्ति रस है, कि इसमें श्रृंगार है, वियोग श्रृंगार है, कि संयोग श्रृंगार है, क्या क्या है, तो हम जब तक शब्द नहीं लेंगे तो शब्द इसमें ज्यादा होते हैं, आपने देखा ख्याल से ज्यादा आपको शब्द मिलते हैं, और अगर लेकिन जो बड़ी जो हमारी वो ठुमरी है जो जत में है उसमें बहुत अधिक शब्द नहीं मिलते आपको। अब हम इसमें क्या करते हैं, इन केस आपको लगता है कि हमको ये कॉमन तक और पहुंचाना है, तो जैसा हमारे गुरुओं ने मुझे बताया कि उसमें हम कवित्त भी शामिल कर सकते हैं, कुछ लिख के कुछ कविता लिख के शामिल कर सकते हैं उसी रस की, कि परदेसवा ना जाओ इतनी अरज मोरी मान, ये बात जब हम कहते हैं तो वो रिक्वेस्ट की बात हो रही है, और परदेश मत जाओ मेन बात ये चल रही है ना। अब इसी में कोई आप कवित्त भी बना सकते हैं, या कहीं का कवित्त लेके दोहा या कोई चीज कवित्त मने दोहा या उस कविता छोटी सी ऐड कर सकते हैं, तो इसमें शब्दों को ज्यादा ऐड करेंगे उतना मजा और आएगा लोगों को, है ना। क्लासिकल लोग तो उतने में ही मतलब मजा ले लेंगे, लेकिन जो कॉमन है उसको आप कैसे आकर्षित करेंगे, तो वहां इसीलिए जो फिल्म म्यूजिक है या जो
वैसा जो आप भजन है, गजल है, आप देखिए ना कितने अंतरे कितने गाया जाता है उसमें। शेर, हाँ शेर ऐड करते हैं, शेर इनमें भी ऐड करते हैं, शेर इसमें कहाँ ऐड करते हैं ये देखने की बात है कि आपके शब्द जो हैं वो अगर खड़ी भाषा में चल रहे हैं ज्यादा तब आप शेर उसमें ऐड करेंगे। खड़ी बोली हम लोगों की होती है ना, हिंदी खड़ी बोली, वो अगर चल रही है भाषा में वो आ रही है तो आप जैसे दादरा है शिवरंजनी में दगा दे के ना, अब दगा दगा ये शब्द आ गया ना, अब नाउ वी कैन ऐड शेर। उर्दू की कोई बात आने लग गई या खड़ी बोली आने लग गई, हाय राम दगा दे के ना, अब इस पे कुछ दगा देने की या धोखा देने के कोई शेर ऐड ऑन कर सकते हैं। हाँ हल्का सा उर्दू या खड़ी बोली का टच आएगा तो हम शेर ऐड करेंगे। जैसे बेगम अख्तर साहिबा थी, अवधी अवधि की बातें करती थी और गज़ल गाती भी थी, तो ख़ास करके जो गज़ल गाते भी हैं तो उनका एक लहजा रहता है, उनका एक तलफ़ुज़ रहता है, तो वो उसमें ऐड करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और जिसको कि गज़ल की मालूमात ही नहीं है, जिसको उर्दू की मालूमात ही नहीं है, तो वो कृपया ना ऐड करें, गज़ल ना ऐड करें, ना शेर गाए ना गज़ल गाए, तो शेर भी गलत हो जाएगा फिर सवा शेर हो जाएगा। हाँ शाम को नहीं गाए, नहीं शाम को नहीं गाए, शाम को नहीं गाए, हाँ बड़ी मुश्किल से निकलता है, बहुत जोर लगाना पड़ता है। तो इस एक बात मैं आपको कहूँगी कि ये लाइट जब भी आप गाइए, चाहे फिल्म गाइए, चाहे आप, मैं इस बात पे तवज्जो चाहती हूँ कि आप चाहे फिल्म गाइए और चाहे आप भजन गाइए और चाहे आप ठुमरी गाइए, गजल गाइए, प्लीज अपनी उर्दू अच्छी कर लीजिए। उर्दू जो है वो विदेशी भाषा नहीं है, हमारी भाषा है, इसको विदेशी ना समझा जाए, और वो जबान को और अच्छा करती है। आपने बहुत गायकों को ये सुना होगा कि उन्होंने उर्दू सीखी, बोलना सीखा, अगर लिखना नहीं भी सीखा तो बोलना सीखा, कोई ऐसा टीचर के पास जाके कि मैं ये जो बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ इज इट करेक्ट। तो ये बहुत जरूरी है, नहीं तो आपके गाने में वो बात आएगी ही नहीं, किसी भी तौर से नहीं आएगी। मान लीजिए इंग्लिश में आप गा रहे हैं तो शामिल हो गए इंग्लिश गाने में, तो फिर ये मुश्किल है ना। जो जो इंग्लिश जानते हैं वो कहेंगे, वो चले जाएंगे, उठ के चले जाएंगे, होगा ना ऐसा। तो इसलिए सब चीजों को हम जो भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, और इसी तरह से अवधि और भोजपुरी और सब चीज की बात, उसमें भी गलत करते हैं, उटपटांग कर देते हैं, अब उसका अर्थ ही नहीं जानते, गा रहे हैं जी, गला चल रहा है तो गा रहे हैं। जब भाषा है तो भाषा का महत्व है, इसलिए लाइट म्यूजिक को ये चीज वो बताती है, लाइट म्यूजिक को आपको, और करना ही चाहिए। यदि आपने लाइट म्यूजिक किया है तो आपका क्लासिकल भी अच्छा हो जाएगा, मैं आपको एश्योरिटी दिलाती हूँ, ये पक्की बात है। आप लाइट करिए, आप
फिल्म म्यूजिक जो है जिसमें कि अच्छी अच्छी गजलें हैं वो करिए, रागों को समझिए, वहां से भी राग आप देख सकते हो, मदन मोहन जी और नौशाद जी सबके कॉम्पोजिशन वहां पर भी राग समझ सकते हो। तो लाइट क्लासिक और फिर कॉम्पोजिशन बनाने में नकल नहीं करिए, लेकिन आपको राग के बारे में जब आप बजा बजा करके देखेंगे राग कैसे जा रहा है कैसे जा रहा है कैसे जा रहा है, अब उसके थोड़े हारमोनियम भी आएगा तो बहुत अच्छा होगा। नकल मत करिए कि एज इट इज ले लिया मुखड़ा। हाँ, फिल्म वाले जरूर हमारी नकल करते हैं और करना चाहिए, उन्होंने पंजाबी फोक से भी लिया है, राजस्थान मांडे से भी लिया है, हमारा फोक से भी लिया है, तो ये सारा एक्चुअली फोक जो है वो सबसे बेसिक चीज है। हम एकदम से थोड़ी क्लासिकल में शुरू हो गए थे, हमारे वेद थे और फोक था, कव्वाली थी, इबादत थी, बिल्कुल बेसिक चीजें थी, हमने उसको शास्त्र सम्मत किया है ना, बाद में आगे किया है, तो उनको समझते हुए फिर आगे जाएंगे। कव्वाली सुनिए, देखें क्या खूबसूरत चीजें होती हैं उसमें, सुनिए खूब सुनिए कव्वाली, पुराने लोगों की खूब सुनिए और सुन के उसको फिर देखिए कि क्या हो रहा है उसमें, स्टडी करने की चीजें हैं, क्या कर रहे हैं, कब ये शेर डाल देते हैं, कैसे करते हैं, ये बढ़ाने की चीज है। किसी भी कॉम्पोजिशन को बढ़ाने के लिए आपको एड ऑन तो करना पड़ेगा, कुछ लिखना भी शुरू करिए अपनी बात। हाँ नहीं, ठुमरी तो जब तक स्टैब्लिश ना हो जाए पूरी, इसीलिए वो अनवहार कोई गा भी नहीं पाता है, इसीलिए दादरा तो चलती है, चलता हुआ रहता है, अब तो गा लेते हैं क्योंकि उसमें फोक ज्यादा आ जाता है, मगर ठुमरी जो है वो राग को बरतने की एक प्रक्रिया भी है, और जब एक राग स्टैब्लिश हो जाता है तब दूसरे को लाते हैं, तो जो ठुमरी जैसे बड़ा ख्याल है अपना, तो ये है उसी तरह की चीज है, बड़ा ख्याल दिक्कत होती है ना गाने में, अब ताल भी दिक्कत के है। हाँ जी, हाँ ठुमरी गाते हैं तो आपको बनारस घराने का को फॉलो करना पड़ता है, ये जो तबला है ये बनारस घराने का तबला, आप जब बनारस घराने का तबला देखने के लिए आप अपने कौन कौन से वादक हैं, सामता प्रसाद जी आप गूगल करिए सामता प्रसाद जी, और वो किशन महाराज जी बड़े, इन लोगों को सुनिए, ये जो नहीं है मगर हम लोगों के बचपन में थे और वो इस बात के लिए मशहूर थे, क्यों मां साहब, हाँ इन दोनों को आप गूगल करिए और इनका तबला सुनिए, खुला तबला होता है ना, इसके बारे में बताइए क्या इसके, सुनिए बेटा दिल्ली ने कहीं और को करा होगा, उनका बात शुरू स्टार्ट दिल्ली से हुआ है। अच्छा, क्यों गया, यही होता है ना, अब जैसे अप्पा जी तो बनारस रही, मैं तो कभी बनारस रही नहीं, तो उन्होंने ये देखा, बड़े लोग देखते हैं कि हम ये बाहर से अगर कोई कह रहा है कि मैं आपसे सीखना चाहती हूँ तो बहुत जल्दी एक्सेप्ट करते हैं वो चीज, देखते हैं कि ये जो चीजें हैं ये उस जगह पर बताने जा रही है, उस जगह पर फैलाने जा रही है। जैसे पहले के गुरु ये होते थे कि वो बल्कि कहते थे, उनको डिप्यूट करते थे कि तुम जाओ कानपुर जाना है तुमको लखनऊ जाना है, तुमको पंजाब जाना है, क्योंकि वो जब घराने तक सीमित था, आज तो घराने तक सीमित नहीं बचा। तो अब भी जो है वो लोग ये बात मन में रखते हैं, बड़े लोग, जो बात हम लोगों के भी मन में आई, उन लोगों से तो सीखा हमने,
ये मन में आती कि जो बाहर बच्चे जाएंगे यहाँ से लेकर के जाएंगे, तो वो अगर गए बंबई तो वहां पर भी वो ठुमरी गा रहे हैं, दादरा गा रहे हैं। कहाँ से आया? बंबई का अपना थोड़ी है, बंबई का तो अपना कुछ भी नहीं, और फिर भी कितना फ्लरिश करता है। आप चले जाइए तो सब एब्जॉर्ब हो जाते हैं उसके अंदर। हाँ, आर्ट कैपिटल है और अप्रोच बहुत अच्छी है। एक उन लोगों की अप्रोच जो वहां चला जाता है, यहीं का आदमी जो एक दूसरे को ऐसे ऐसे कर रहा था, वो वहां पर सीधा हो जाता है। हाँ, कैपिटल ज्यादा है। कैपिटल बनाई किसने? बनाई किसने? फिल्म इंडस्ट्री। एक्चुअली क्रेडिट गोज टू देम। यहाँ तक कि कोलकाता में भी नहीं रुकते आर्टिस्ट जो कि और डेवलप करना चाहते हैं, वर्ल्ड क्लास बनने के लिए बंबई जाना पड़ता है। लेकिन पहले तो उसका होमवर्क करें, यहाँ पर होमवर्क तो हो जाए, वहां सीधे पहुंचे जी सर हमको सिखा दीजिए। अब वो कहेंगे हमको सारे गामा करा रहे हैं, सारे गामा नहीं कराएंगे, राग सिखा रहे हैं, नहीं सिखाएंगे। अब उसके ऊपर क्या आपको चाहिए? इम्प्रोवाइजेशन एक लेवल के बाद जाना चाहिए, या बहुत ही बचपन से भाग जाओ, फिर बहुत मार कूट करके वो किसी तरह सीख ही जाता है। बहुत अच्छा तुमने बात कही है कि भाव और रस। हम जब छोटे होते हैं, अब ये बच्चा है, अभी क्या जानेगा भाव रस? ये तो वात्सल्य जानता है कि माँ मेरी मुझे बहुत प्यार करती है, पिता मेरा मुझे बहुत प्यार करता है ना। तो वही चीज आपके साथ, आप थोड़े बड़े हुए, ठीक है, आपके फ्रेंड्स बने, अनुभव आपका बढ़ चुका होगा, उससे नेचुरली बढ़ गया होगा। तो ये जो अनुभव होते हैं जीवन के, वही गजल और वही ठुमरी में आते हैं। भक्ति भी वही है, भक्ति नहीं है तो श्रृंगार भी नहीं है। आप ये दोनों जुड़े हुए हैं, भक्ति और श्रृंगार भी जुड़ा हुआ है। हम किसी की भक्ति जब समर्पण भाव से करते, किसी की भी, तो वो भक्ति ही तो कहलाएगी, वहां श्रृंगार कहाँ बचता है। हम ये सोच को, अपनी सोच को डेवलप करना पड़ेगा धीरे धीरे। आप ठीक है, आप बहुत एक्सपीरियंस नहीं है, आप फिर भी कोई दोस्ती तो की होगी, बड़ी नॉर्मल सी बात कह रहे हैं, दोस्ती तो की होगी बॉयज बॉयज ने, गर्ल्स गर्ल्स ने, बॉयज गर्ल्स ने, जैसे भी आपको एड में पढ़े, जैसे भी, मतलब इट इज नॉट अ फन, मतलब ऐसे बात मैं नहीं कर रही हूँ, बड़ी नॉर्मल बात है। क्योंकि ये बात जब तक नहीं की जाएगी तब तक आपको समझ नहीं आएगा। तो अब उसी में आप किसी भी अपने दोस्त को आप बहुत मानते हैं, तुम आओगे तो हम चलेंगे, तुम आओगे तो हम खाएंगे, ऐसा होता है? होता है, बस वो वहां पर ही हम पकड़ लें भाव को, यू कैन कनेक्ट देयर। जरूरी थोड़ी एक फीमेल ही मिले या मेल ही मिले, कनेक्ट तो कर सकते हैं हम, इसको डेवलप करेंगे। आप देखिए ना, छोटी छोटी लड़कियां हीरोइन बनती हैं, ठीक है, बनती हैं, लेकिन आप देखिए मैच्योरिटी थोड़े दिनों बाद दिखाई पड़ती है उनके एक्ट में, थोड़े दिनों बाद। तो शुरू तो आप करेंगे, शुरू करेंगे, बट ये डेवलपमेंट जो आपका है, ये शायद आज पता चल रहा है, तो ये हो सकता है एक साल दो साल बाद आए, गाते गाते करते करते, और उन दो सालों में आपके जीवन के एक्सपीरियंसेस भी बढ़ गए होंगे। तो हर दिन बदलते हैं ना, हर दिन बदलते हैं। अभी किसी से दोस्ती थी, आज उससे खुट्टी हो गई, यही सब चलता रहता है। वो चाहे मेल मेल में हो, मेल फीमेल में हो, या फीमेल फीमेल में हो, यही सब चलता रहता है। तो उसमें वो बात, अब इसमें ये कहा जाता है, खास करके कहा जाता है संगीतज्ञ या संगीत में जो एक तासीर आती है, भाव आता है, तासीर,
वो जब तक दुख नहीं झेला है कोई तब तक नहीं आता है। अब इसके लिए क्या डूबना ही पड़ेगा, है ना, कोई कोई धक्का मारे धक्का ही खाना पड़ेगा। एक कुछ इमेजिन भी किया जा सकता है, इमेजिनेशन आपके कितने अच्छे। चुपचाप बैठिए, इमेजिन चुपचाप गाइए, यानी इमेजिन कीजिए कैसे चल रहा है। आप वहां पर कभी कभी सुर को छोड़ना पड़ेगा आपको, अब ये दिमाग को ब्लॉक करना पड़ेगा, दिमाग को ब्लॉक करना पड़ेगा। जहां जरूरत दिमाग लगाएंगे कभी भाव नहीं आएगा। इसीलिए हर व्यक्ति उतना गा नहीं पाता, उतना इमोशनल बजा नहीं पाता। वजह वही है कि उसके दिमाग में कैलकुलेशंस बहुत सारे हैं, ये आया कि नहीं आया, वो गया कि नहीं गया, 1 बजे आया कि 4 बजे गया कि उसको देखा, अच्छा ठीक है, हम इससे आगे कैसे बढ़ेंगे, कभी नहीं बढ़ेंगे, कभी नहीं बढ़ेंगे। जितने भी सफल हैं उनको उस स्तर से ऊपर उठना पड़ेगा, जमीनी स्तर से ऊपर उठना पड़ेगा। अपने दिल को सबसे पहले आप बड़ा करना शुरू कर दीजिए। ये मतलब जब तक पर्सनैलिटी बिल्डिंग नहीं होगी ना, आपका गाना भी नहीं बनेगा। ये सब कुछ रिफ्लेक्ट होता है, सब रिफ्लेक्ट होता है, आपका चेहरा, आपका गाना, आपकी बातें। कितनी देर आप आर्टिफिशियल हो सकते हैं, कितनी देर। अभी तो कितने सारे इंटरव्यूज आ रहे हैं, बड़े बड़े लोगों के आते हैं, लता जी के कितने इंटरव्यूज आ रहे हैं, अब सुनिए देखें कि बिल्कुल सब कुछ जमीन पर, जमीनी स्तर पे सब चल रहा है। हाँ, लेकिन एक बात और है कि वो जब उस स्तर पे आते हैं तो थोड़ी सी पॉलिटिशियन भी हो जाते हैं जब उस स्तर पे आते हैं, तो वो भी है, एक पार्ट है। लेकिन वो नहीं कि हम किसी का नुकसान नहीं करते, ये चीज भावना। अब धीरे धीरे आप अगर किसी की सहायता नहीं कर पा रहे हैं तो उसका नुकसान भी ना करिए, ये भाव में। अब ये भावनाएं शुरू हो जाएंगी, फिर उसको देखते हैं, भावनाएं शुरू हो जाती हैं, ऐसे डेवलप हो जाती है। हाँ नहीं नहीं तो आप जब वो जो फील कर रहे होते हैं एक्चुअली आप पर घटित हो चुका होता है, आपको पता भी नहीं होता है। आप देखिए पिक्चर देखते देखते लोग रोना शुरू कर देते हैं, नाटक देखते देखते रोना शुरू कर देते, इवन गाना गाते गाते लोग सुनने वाले रोना शुरू कर देते हैं, गाने वाला ना भी रो रहा हो। वो क्यों, उनको कहीं ना कहीं वो हिट किया है, हिट क्या किया है उन्होंने, ये एक्सपीरियंस किया, वो उनको पता ही नहीं चल रहा है वो उनको, क्योंकि भड़बड़ 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 भड़बड़। अरे आराम से बैठे हो, सोचो समझो, है ना, जिंदगी थोड़ी आराम में भी लाओ, आया है तोबा तोबा नहीं करो, बस फिर आने लग जाएगा, नो प्रॉब्लम, धीरे धीरे। लेकिन डेवलप धीरे ही होता है, तो इसीलिए ठुमरी कोई जल्दी गाता नहीं है, गा पाता नहीं है, वो अलग बात है, वो कह रहा है वो गा रहा है, वो दो लाइन ऐसे ऐसे कर रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है, लेकिन उसके भावनाएं उसमें नहीं घुस रही हैं, वो घुसेरने के लिए थोड़ा सा टाइम और चाहिए, ठीक है। तो अलग अलग सुनेंगे फिर, कभी ये भी सब होगा और आगे होता जाएगा। हाँ 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 वो है ना, कोई ना गूगल करिए, तमाम उनके सारे वीडियोस, उनके सारे रिकॉर्डिंग्स आ जाएंगे। निर्मला कुमारी जी हैं, लक्ष्मी शंकर जी हैं, बेगम अख्तर साहिबा हैं, ये कुछ ऐसे नाम हैं कि बस वो स्तंभ हैं। शोभा गोटू जी हैं, बिल्कुल ठीक बात। आप देखिए बड़प्पन देखिए, किशोरी और मंकर जी की बात मैं बताती हूँ, बड़प्पन देखिए इतनी इतने टॉप पे वो आर्टिस्ट कि वो सबको पूरे हॉल को रुला सकती है गा करके। वो आर्टिस्ट कहती हैं कि मैं अप्पा जी से, आपने मुझे ठुमरी नहीं सिखाई इसलिए मैं ठुमरी नहीं गाती हूँ।
अप्पा जी से, अपने साथी से कहती हूँ, आपने मुझे ठुंडी नहीं सिखाई, इसीलिए मैं ठुंडी गा नहीं पाई कभी। ये है, तो अब हमको अपने को पहले दिल को बड़ा करते जाना है, और बस यहाँ पर समाप्त करते हैं ना। हम सभी का आभार व्यक्त करते हैं, और हमारे साथ जो ऑनलाइन अभी हैं नहीं हैं, खैर कोई बात नहीं, हम अपने बच्चों को बता रहे थे यहाँ पर भी, तो सब बहुत, हम सभी अपने साथियों को, डॉक्टर ऋचा जी को, आभार व्यक्त करते हैं। आशा करते हैं कि आप सभी को आपके क्वेश्चंस के जवाब मिले होंगे और अच्छे से सीखा होगा आपने। आज का क्वेश्चन सेशन आज खत्म होता है, ठीक है? और मंडे को हम फिर मिलेंगे, मंडे को एक छोटी परफॉर्मेंस करती हूँ और बाकी की चीजें थोड़ी सी आपको बैठी है, और लर्निंग प्रोसेस ऑब्वियसली चलेगा क्योंकि वर्कशॉप हमारी मंडे में खुली है। उसमें भी रिवीजन होगा ना, मैंने हाँ रिवीजन फिर भी करेंगे, रिवीजन होगा और आप सीखेंगे भी, रिवीजन भी करेंगे। बस क्वेश्चन आज सेशन हमने आज रखा था, और कल जो है संडे को प्लीज आप लिंक का वेट करिएगा। कल हमारे यहाँ चुनाव है, तो इलेक्शंस की वजह से कल वर्कशॉप ऑफ रखी गई है, कल ऑफ रहेगी। मंडे को वोट जरूर दे दें, वोट जरूर दें कृपया। और प्लीज आप अपना बहुमूल्य मतदान अवश्य दीजिएगा, जो कानपुर के लोग हैं वो जरूर दें, बाहर की जो डेट्स पड़ी है वो भी दें। तो मंडे को हम लोग सबसे लास्ट देखिए देखिए गलत काम ना करें ठीक इसी से।